वो ऑर्डर 21 है जो कि सबसे लेंथी ऑर्डर है इस सीपीसी का। कल से हम इंशाल्लाह ऑर्डर 21 को करेंगे, लेकिन ये पार्ट इसमें आज कर लें, अटैचमेंट और सेल, ये दो चीज़ें। अब सेक्शन 60, अब यहाँ पे ये बड़ा, इसमें कह रहे हैं सेक्शन 60 में प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि कौन सी प्रॉपर्टी। ये सेक्शन ना इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें हमें ये बताया गया कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको अटैच किया जा सकता है, उनको सेल किया जा सकता है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अटैच नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा लेंथी भी है ये सेक्शन, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, अब सेक्शन 60 का सब सेक्शन 1 देखो, वो क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, नेमली लैंड्स। अब कोई भी लैंड का वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो हाउसेस। अब इसमें लैंड में एग्रीकल्चर लैंड, हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स, गुड्स वो भी हो सकते हैं, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी डेट्स, शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन एंड सेव एज हेयर इन आफ्टर मैंशन, ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। क्लियर हो गया। अब ये इतनी सारी इन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि इनके थ्रू इनको अटैच करके, अटैच का मतलब होता है कुर्क करना। पहले अटैचमेंट होती है, उसके बाद फिर अगर फिर भी वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो, एग्जीक्यूशन ना हो रही हो डिग्री की, तो फिर जो चीज़ अटैच की होती है उसको सेल कर दिया जाता है। यही प्रोसीजर होता है एग्जीक्यूशन। देखें, हम फैमिली केस में जाएंगे, बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 21 है ना, वो एज इट इज़ ही अप्लाई करते हैं वो अदर लॉज भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो तरीके बताए गए हैं सारी कोर्ट्स हैं जो डिक्री पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है वो इसी तरीके से करवाते हैं। तो ऑर्डर 21 डेफिनेटली जो हमने कल से शुरू करना है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो भी जजमेंट डेटर की ये सारी चीज़ें हैं इनको अटैच किया जा सकता है, अभी ये हमें मोटा मोटा बात पता लगी, और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज़ ए डिस्पोजिंग पावर विच ही मे एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट, यानी जिसके जो उसके पोजेशन में है, पावर में है, और ये चीज़ों को वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसको अटैच किया जा सकता है। वेदर द सेम बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द जजमेंट डेटर और बाई अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हेम और ऑन हिज बिहाफ। अब यहाँ पे एक ये एंड पे इन्होंने एक नई बात कर दी है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके नाम पे ही हो, अगर नाम पे हो वेल एंड गुड, फिर तो अटैचमेंट करने में आसानी है। साथ में ये कह रहे हैं कि अगर उसके नाम पे नहीं भी है, किसी दूसरे के नाम पे है, लेकिन एक्चुअली वो इसी वो यही उससे बेनिफिट ले रहा है, तो इसके बिहाफ पे किसी के पास है वो प्रॉपर्टी, तो वो अटैच की जा सकती है। अच्छा, अब प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शैल नॉट बी लाइबल टू सच अटैचमेंट और सेल। अब ये यहाँ पे दोनों का कह रहे हैं, ये प्रोवाइजो से आगे सही काम शुरू हो जाना है। जो समझने वाली बातें हैं कि ये नीचे जो एक लिस्ट हमें बता दी है ना इतनी सारी चीज़ों की, इनको ना तो अटैच किया जा सकता है और ना ही सेल किया जा सकता है। अब ये इस सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हो जाती हैं, लेकिन करते हैं इसको ईजी ईजी। ये पहला क्या है, द नेसेसरी वेयरिंग एप्रल्स, यानी उसके जो क्लोथिंग वगैरह वो नहीं अटैच होने, कुकिंग वेसल्स, ये घर के बर्तन, ये कुकिंग वगैरह वाले, बेड्स एंड बेडिंग्स, अब ये इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी, ऑफ द जजमेंट डेटर, उसके, हिज वाइफ उसके, और एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चों के भी, एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स एज, यानी वो जो जेवरात वगैरह होते हैं ना पर्सनल, इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस यूजेज कैन नॉट बी पार्टेड विद बाई एनी वुमन, यानी ऐसे जेवरा जो मजहबी लिहाज से भी औरतों के पास होते हैं ना, उनको भी ना अटैच किया जाएगा ना सेल किया जाएगा। ये दोनों से रिलेटेड है, ये याद रखना है, ना इनको अटैच करना है और ना इनको सेल करना है। मेक सेंस कि उसके कपड़े नहीं अटैच होने, उसके घर के बर्तन नहीं होने, उसकी बीवी के जेवरात नहीं होंगे, और कौन कौन से थे, ये उसके बिस्तरे नहीं अटैचमेंट में उठा के लेके जाने। दूसरा, बी टूल्स ऑफ आर्टिसंस, अब ये
अब ऑब्वियसली अगर कोई बढ़ई है या फिर कोई पेंटर है या कोई मैकेनिक है, अब ये इनके टूल्स होते हैं ना, ये इनसे ये अपनी अर्निंग्स करते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम इनके थ्रू ही होता है ना। तो अगर उनको ही आप अटैच कर लो कि भाई आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं आप उसके वो जो एग्रीकल्चरल वाले टूल्स हैं वो उठा के ले जाओ, मैकेनिक है उसके सारी वर्कशॉप के आप टूल्स का क्या है जी हम अटैचमेंट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट डिक्री हुई है, तो ये अलाउ नहीं है क्लियरली। अब इसमें जितने भी हैं ना जो भी टूल्स होंगे जिसके थ्रू वो अर्निंग वगैरह करता है ना उनको नहीं अटैच किया जाता। एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट, ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि जो ये ज़िम्मेदार वगैरह होते हैं जो ये काश्तकारी करते हैं उनके, वेयर जजमेंट डेटर इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट हिज इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, यानी जिसके थ्रू वो ज़राअत वगैरह करता है उन चीज़ों को नहीं हमने करना। वो हल वगैरह होते हैं ना तो वो ट्रैक्टर के पीछे बांध रहे होते हैं, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं उन्होंने कहा कि करनी। एंड सच कैटल्स एंड सीड ग्रेन्स एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी नेसेसरी टू एनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज सच। अब ऑब्वियसली उनके जरूर थ्रू वो अर्निंग्स वगैरह करता है, तो इन चीज़ों को स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं उनके जानवरों को भी आपने नहीं अटैच करना। एज सच एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होगी, यानी उसने जो फसल तैयार की हुई है ठीक है ना, जो उसके लिए ज़रूरी है उसको भी नहीं आपने उठाना। और ऑफ एनी क्लास और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज मे हैव बिन डिक्लेयर टू बी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। वो कह रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में इसको फर्दर हम बता रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को उसकी जो प्रोड्यूस है जो उसने फसल वगैरह उगाई हुई है जो उसकी अर्निंग में जिससे मदद होती है उसको आपने नहीं अटैच करना। सी हाउसेस घर एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल एंड साइट्स देयर ऑफ एंड इन द इमीडिएटली अपर्टिनेंट देयर टू, अब ये एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ही है ना, बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरलिस्ट और अक्यूपाइड बाई हिम। ये अब देखें जो होते हैं ये जो किसान वगैरह होते हैं इनके कह रहे हैं घरों को भी नहीं, इनके टूल्स वगैरह को हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसके थ्रू ये अपनी ज़राअत वगैरह करता है उसको अटैच ना अटैच और ना सेल। मैं दोनों के वर्ड्स बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। डी में क्या है, बुक ऑफ अकाउंट, यानी अब हो सकता है ना जो जजमेंट डेटर हो उसकी कोई बिजनेस हो वो अकाउंट्स के उसके खाते हैं, अगर वही आप उठा लोगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने किससे क्या लेना है किसको क्या देना है, तो इसको अटैच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ई अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, अब उसका कोई राइट है किसी को उसने सू करना है तो वो भी आप उससे नहीं ले सकते, वो डैमेजेस वगैरह के लिए आप नहीं कह सकते हो कि ये जो डैमेजेस इसको मिलने हैं वो जी आप एग्जीक्यूशन में आप लेना शुरू कर दो, नहीं। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, अब ये भी नहीं होना। अच्छा जी स्टाइपेंड्स, ये वजीफे वगैरह एंड ग्रेचुटीज अलाउड टू द पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं अब इनकी पेंशन वगैरह उन पर ये ग्रेचुटीज़ वगैरह होती हैं, वजीफे इनके लगे होते हैं जो साथ साथ इकट्ठे वगैरह होते रहते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के अटैच और सेल नहीं हो सकते। और पेएबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड्स नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड पोलिटिकल पेंशन, अब ये अगर तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, वो उन्होंने नोटिफाई कर दिया भाई इस चीज़ों को आपने नहीं करना तो फिर वो अटैच नहीं होती, ठीक हो गया। एच में क्या है, द वेजेस ऑफ लेबरर, अब ये होता है ना कि डेली वेजेस भी होते हैं कि काम मजदूरी करते हैं और उनको समटाइम्स डेली मिलती है वेजेस, हफ्ते बाद मिलती हैं, तो वो कहते हैं ये जो इनकी वेजेस वगैरह है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजेस, अब ये वेजेस डेली बेस पे भी हो सकती है, सैलरी तो आपकी एक फिक्स है ना, तो ये वेजेस आपको इंटरवली भी दी जा सकती हैं डेली बेसिस पे भी, तो ये वो नहीं है आपने कर सकते, वो अगर आपने उसकी
वेजिस को ही अटैच करना शुरू कर दिया तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा, वो खाए पिएगा कैसा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के लिखी हैं। एंड डोमेस्टिक सर्वेंट सब ये जो उसके मुलाजम हैं उसको भी नहीं अटैच करना कि चलो अब जी अब डिक्री में हम इनको ले कर जा रहे हैं और ये हमारे घर का काम 10 साल करेंगे, या इस किस्म के नहीं। वेदर पेएबल इन मनी और इन एनी काइंड, या किसी भी किस्म की उसको मनी में पैसे देते हैं उस सर्वेंट को, या फिर उसको देते हैं। अब ये अगर हम देहातों में जाए ना तो ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे वो इन कैश ही देते हैं, कैश भी देते हैं, साथ उनके घर अनाज भी पहुँचाते हैं, दूसरी चीज़ें भी देते रहते हैं। तो वो कहते हैं इस किस्म की जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं ना उनकी चीज़ों को भी इस तरह अटैच नहीं करना, कभी उसको देना था हम यहाँ पे अटैच करते हैं, कोई ऐसा नहीं। आई सैलरी, अब ये सैलरी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज़ एंड 1/2 द रिमेंडर। अब ये अगर इसको गौर करो तो ये कह रहे हैं, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, मेरी 1 लाख रुपया सैलरी है। अब ये देखें ना, इन चीज़ों को अमेंड होना चाहिए। अब हम 2023 में पढ़े हैं लेकिन ये कह रहे हैं जी कि किसी की जो भी सैलरी है चाहे उसकी 1 लाख रुपया सैलरी है तो उसकी 1 लाख रुपया सैलरी में से पहला 100 रुपया यानी 100 रुपया नहीं अटैच होगा, बाकी जितनी भी बचेगी उसका हाफ वो भी नहीं अटैच होगा। यानी 1 लाख मेरी सैलरी थी तो उसका हाफ क्या बना, उसका 100 रुपया निकाल दो। अब 100 रुपया निकालोगे और बाकी जो बचेगा उसका हाफ भी अटैच नहीं होगा, बाकी सारा अटैच हो सकता है जो भी बचता है। या इसको इस तरह कर लें और सिंपल कर लेते हैं, किसी की सैलरी है 200 रुपया सैलरी है, इसको और सिंपलीफाई करते हैं 200 रुपया। अब ये पुराने वक्तों में ही हम चले जाते हैं, एक बंदे की 200 रुपया सैलरी है, उन्होंने कहा जी पहला 100 रुपया नहीं आपने अटैच करना, यानी 100 रुपया एक साइड पे हो गया, बाकी कितने बचे 100 रुपया। अब वो कह रहे हैं उस 100 जो बाकी बचा उसमें से हाफ आप और नहीं कर सकते हो, यानी 150 रुपया हो गए और 50 रुपये जो बाकी बच रहे हैं उसको आप अटैच कर सकते हो। ये सैलरी की हद तक इन्होंने स्टैंडर्ड एक बता दिया, चाहे उसकी 10 लाख रुपया भी सैलरी है पहला 100 ही अटैच होगा, बाकी जो भी बचेगा उसमें से आधा नहीं अटैच होगा जो भी वो अमाउंट है, और बाकी आधा उसका अटैच हो सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं उसका मतलब बाकी सब ठीक जा रहा है। अच्छा अब आगे आ रहा है, इसके साथ एक इन्होंने प्रोवाइजो भी ऐड की हुई है। अब ये प्रोवाइजो के एंड शुरू में स्टार्ट लगा लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते क्या हैं, प्रोवाइडेड दैट, ये आई के साथ अटैच हुई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच सैलरी इज द सैलरी ऑफ ए सर्वेंट ऑफ द स्टेट, कोई स्टेट का सर्वेंट है उसकी सैलरी है, और सर्वेंट ऑफ रेलवे या वो कोई रेलवे का सर्वेंट है। ये देखिए पुराने दौर की बात है ना, उस टाइम पे रेलवे के निज़ाम को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी और उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता था, मैं रेलवे में काम करता हूँ। आजकल तो रेलवे को कोई पूछता नहीं है, इसलिए सीपीसी में बहुत जगह पे आपको ये रेलवे से रिलेटेड बातें मिलेंगी। तुम्हारा कोई सर्वेंट ऑफ स्टेट है रियासत की को वो नौकरी कर रहा है, या वो रेलवे का सर्वेंट है, और लोकल अथॉरिटी या कोई भी लोकल अथॉरिटी का वो मुलाजिम है और उसको सैलरी मिलती है जिसको अटैच करना है, ये उससे रिलेटेड है। एंड द होल और एनी पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ सच सैलरी लाइबल टू अटैचमेंट हैज़ बिन अंडर अटैचमेंट। अब ये कह रहे हैं जो आई को जेन में रखो, आई की क्या बात थी, पहला 100 उसके बाद जो बचा उसका आधा नहीं अटैच होना, बाकी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं किसी ऐसे पर्सन की जो सर्वेंट है स्टेट का या रेलवे का या किसी भी लोकल अथॉरिटी का, वो उस पर कोई डिक्री थी, वो जजमेंट डेटर था, उसकी सैलरी अटैच होगी अकॉर्डिंग टू ये जो आई वाली हमने पढ़ी है, अटैच हो गई है। अब क्या होगा, वेदर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, और जो उसकी अटैचमेंट हुई है ना, जो सैलरी उसकी कब्ज़े में ले ली है,
वो कितनी देर के लिए की है, मैक्सिमम 24 महीनों तक के लिए वो उसकी सैलरी अटैच रही है, उसको नहीं मिली। पहली बात, सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दफ़ा ऐसे पर्सन की सैलरी अटैच हो गई है और वो कंटिन्यूसली रही है 24 महीने के लिए या इन पार्ट्स रही है, जैसे ही वो ख़त्म होगा ना 24 महीने का पीरियड, उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ के लिए उसकी इस सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकेगा, चाहे कोई दूसरी कोर्ट की भी डिग्री उसके अगेंस्ट हो। ऐसे भी तो होता है, हो सकता है ना कि उसके अगेंस्ट 2-3 डिफरेंट डिग्री होल्डर्स हैं, वो सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि हो गई 24 महीने के लिए उसकी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 महीने तक के लिए उसकी सैलरी पे अटैचमेंट कोई नहीं होगी। क्लियर। एंड वेयर सच अटैचमेंट हैज़ बीन मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड सेम डिग्री शैल बी फाइनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा एक डिग्री थी उसमें वो 24 महीनों के लिए अटैच होगी, पहले वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 12 महीनों के लिए उसको अटैच नहीं किया जाएगा किसी दूसरी डिग्री के लिए। अब यहाँ पे फर्दर वो कह रहे हैं कि जिस डिग्री में वो 24 महीनों के लिए अटैच हो गई है ना, तो दोबारा उस डिग्री के लिए उसकी सैलरी को अटैच नहीं किया जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हम क्लियर बता रहे हैं। पहला, फिर मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये सर्वेंट ऑफ स्टेट है या रेलवे सर्वेंट है, या तीसरी बात आ गई कोई लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है, उसको सैलरी मिलती है, वो एक जजमेंट डेटर है, एक डिग्री है उसके अगेंस्ट। अब उस डिग्री के लिए उसकी सैलरी जो आई में बताई गई है, पहला 100 रुपया और उसके बाद आधा छोड़ के बाकी अटैच हो गई, और वो अटैच रही है फॉर 24 मंथ्स, चाहे वन गो में ही रही है 24 मंथ्स या इन पार्ट्स वो रही है, लेकिन 24 महीनों के लिए वो अटैच रही है। अब वो कह रहे हैं, पहली बात, दो बातें, पहली बात वो ये कह रहे हैं कि किसी और डिग्री के लिए अब उसकी सैलरी को नेक्स्ट 12 महीनों के लिए अटैच नहीं किया जाएगा, और वो डिग्री जिसमें ये 24 महीने के लिए अटैच हुई थी उसमें तो फिर कभी भी उसको दोबारा नहीं अटैच किया जाएगा, ये वन टाइम है इस सेम डिग्री के लिए, वन टाइम। कोई और डिग्री है किसी केस में तो उसमें होगा कि फिर 12 महीने तक उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी सैलरी अटैच हो सकती है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ये कंफ्यूज मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को होना चाहिए, मैंने जिस तरह बताया है, कोई अभी समझ नहीं आई तो इससे रिलेटेड अभी मुझसे यहाँ पर पूछो। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आगे आ जाओ। अच्छा, फिर जे में नेक्स्ट वाली क्या बात वो कह रहे हैं, द पे एंड द अलाउंसेज ऑफ अ पर्सन टू होम द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 अप्लाइज, और पर्सन अदर देन कमीशनड ऑफिसर्स होम पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस। अब ये सीधे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो आर्मी में लोग हैं, जो नेवी में लोग हैं, उन पे तो भाई उनकी तो कोई सैलरी सूली, कोई उनकी ना सैलरी ना कोई उनके अलाउंसेज अटैच नहीं हो सकते, के ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स इन और डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 फॉर द टाइम बीइंग अप्लाइज एंड इन सो फार एज डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट नॉट टू बी लायबल टू अटैचमेंट। देखिए, प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1925 का, उस अब ये प्रोविडेंट फंड आपको भी पता होगा कि होता क्या है, सैलरी पर्सन ने लगाए होते हैं तो उनकी सैलरी में से डिडक्शन होती रहती है, फिर जब वो रिटायर होते हैं तो फिर उनको पैसे वगैरह मिलते हैं। ये कह रहे हैं जो प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर जो भी है उसके अलाउंस कंपलसरी जो डिपॉजिट्स वगैरह, अब सैलरी मैन को उनको पता भी नहीं होता लेकिन उनके महीने के पैसे कट रहे होते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए, वो कहते हैं कि अगर तो उस एक्ट ने बार किया ना तो वो भी लायबल टू अटैचमेंट नहीं होंगे सैलरी अलाउंस। फिर आई में क्या कह रहे हैं, एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अमलमेंट्स, अब ये मुआवजे वगैरह ही हैं, ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ स्टेट और एनी सर्वेंट ऑफ रेलवे और लोकल अथॉरिटी विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन ऑफिस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अटैचमेंट और एनी सब्सटेंस ग्रांट एंड अलाउंसेज मेड एनी। ये वही बात आ गई, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई रेलवे का सर्वेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है, अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली किसी नोटिफिकेशन के थ्री ये कहा है ना कि उसके जो भी अलाउंसेज वगैरह हैं या जो भी उसको मुआवजे वगैरह मिल रहे हैं
वो अटैच नहीं होंगे तो फिर वो नहीं होंगे, वो नहीं अटैच हो सकते। एम क्या है, एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप और अदर मेयरली कंटिंजेंट और पॉसिबल राइट ऑफ इंटरेस्ट। देखें ये अब कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन, बाप से किसको आनी है जायदाद, बेटे को आनी। बेटा अगर जजमेंट डेटर है तो उसको उसकी जो उसको इन फ्यूचर विरासत में कोई जायदाद वगैरह आनी है तो क्या उसको अटैच किया जा सकता है, वो कह रहे हैं नहीं भाई ये नहीं अटैच हो सकता। जो जो उसके पास टाइटल है, जिस चीज़ का वो मालिक है वही हो सकता है। फ्यूचर में तो नहीं हम कह सकते कि भाई फ्यूचर में इसने मालिक बन जाना, इसके जब फादर की डेथ होगी तो इसको ही आनी है विरासत में, तो जी इसकी वो वाली भी जो फ्यूचर में इसको मिल रही है उसको अटैच कर लो, नहीं वो नहीं हो सकती। और यहाँ पे कह रहे हैं और अदर मेयरली कंटिंजेंट और पॉसिबल राइट ऑफ इंटरेस्ट, या उसको किसी भी किस्म का किसी प्रॉपर्टी में कोई उसका इंटरेस्ट है जो कि कंटिंजेंट होता है, उस पर किसी शर्त के लिहाज से उसको मिलना है। कंटिंजेंट का याद रखना कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं ना कंटिंजेंट, कोई शर्त लगा दी जाती है, तो वो कह रहे हैं शर्त कोई ऐसी है जिसका पूरा होने से उसको अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलना, उसको कोई माल वगैरह मिलना, तो वो भी नहीं होगा लाइबल टू अटैचमेंट, क्योंकि अभी तो उसको मिला भी नहीं है। बात वही आ गई कि जो चीज़ उसके पास है वो लाइबल टू अटैच है, जो फ्यूचर में आनी है उसको नहीं कर सकते आप। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अगर उसको फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस वगैरह मिलनी है, अभी उसको नहीं है फ्यूचर की बात है, तो भाई वो भी फ्यूचर में उसको मिलने हैं 10,000 रुपये फलाने बंदे से पर मंथ, वो अभी अटैच कर लो, नहीं हो सकता फ्यूचर में जो है। अच्छा वो वे क्या कह रहे हैं, एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय द पाकिस्तानी बाय एनी पाकिस्तान लॉ टू द एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अटैचमेंट और सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ, अगर पाकिस्तान के किसी लॉ ने किसी अलाउंस वगैरह को एग्जेम्प्ट किया है तो वो भी अटैच नहीं हो सकता। पी वेयर द जजमेंट डेटर इज अ पर्सन लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू हिम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ सच रेवेन्यू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कोई जजमेंट डेटर है और उसने कोई लैंड रेवेन्यू की पेमेंट करनी है, कोई बकाया जात वगैरह है, तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो कि अगर कोई भी लॉ है हमारे तो लैंड रेवेन्यू एक्ट चल रहा है ना, अगर उसने एग्जेम्प्ट किया है कि इसको सेल वगैरह नहीं करना तो उसको सेल नहीं किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सिंपल बता दिया कि भाई इनको आपने अटैच नहीं करना। अच्छा अब ये बेहतर होगा इस सेक्शन के लिए ना, आप एक चार्ट बना लेना कि कौन सी हो सकती हैं चीज़ें और कौन सी नहीं हो सकती। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बड़े बन सकते हैं अगर वो चाहे तो। अच्छा एक्सप्लेनेशन वन, अब कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसमें, 1, 2, 3 हैं। पहली वाली क्या कह रही है, द पर्टिकुलर्स मैंशनड इन क्लॉज जी एच आई जे एल एंड ओ। अब ये सारी हम जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना, जी एच से शुरू हो जाए, जी एच आई एल ओ, जी एच आई एल ओ, इनमें क्या है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट और सेल वेदर बिफोर आफ्टर दे आर एक्चुअली पेएबल। आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट फॉर सेल, एंड इन केस ऑफ सैलरी हाँ ये कह रहे हैं। अब ये पहली बात इसमें एक्सप्लेनेशन वन में कह रहे हैं कि ये जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़ी है ना, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट और सेल वेदर बिफोर और आफ्टर दे आर एक्चुअली पेएबल। वो कह रहे हैं कि ना तो जब इन ये जी एच आई में जो जो भी उसके पास कोई सैलरी आनी है या कोई भी उसके पास ये वजीफे या ग्रेट, ये कह रहे हैं चाहे उसके पास आ चुके हैं या नहीं आए, अभी उसके अकाउंट में आ गए हैं या नहीं आए, ये बात इररेलेवेंट है, इनको नहीं छेड़ा जाएगा। ये फर्दर उसको बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये नहीं कि आप फ्यूचर में जो आनी है उसकी उस सैलरी को आप कर लो कि नहीं, जो फ्यूचर वाली सैलरी आएगी हम उसको अटैच कर लेते हैं, करंट वाली को हम नहीं कर सकते, नहीं। चाहे वो
पीछे मिल चुकी है, चाहे अभी वो नहीं मिली, कोई फंड्स वगैरह उसको नहीं मिले, कोई अलाउंसेस, वो कह रहे हैं पहले भी और बाद में भी अभी उसके अकाउंट में नहीं आए या आ चुके हैं, वो नहीं आप अटैच कर सकते। सिंपल वर्ड्स में उसको बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ सैलरी अदर देन द सैलरी ऑफ सर्वेंट ऑफ स्टेट और सर्वेंट ऑफ रेलवे और लोकल अथॉरिटी। अब ये सर्वेंट ऑफ स्टेट या फिर दूसरा था लोकल अथॉरिटी या रेलवे का कोई सर्वेंट है, वो कह रहे हैं इसकी सैलरी को छोड़ के जो दूसरी सैलरीज है किसी और बंदे के, वो बंदा अगर सर्वेंट ऑफ स्टेट नहीं है, रेलवे का नहीं है, लोकल अथॉरिटी का नहीं है, तो फिर एंड इन द केस ऑफ सैलरी अदर देन सैलरी ऑफ ए सर्वेंट ऑफ स्टेट और सर्वेंट ऑफ रेलवे और लोकल अथॉरिटी द अटैचेबल पोर्शन देयर ऑफ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल इट इज एक्चुअली पेएबल। वो कह रहे हैं कि ये इनके अलावा जो दूसरी सैलरी होगी ना, वो एक्चुअली जब तक पेएबल नहीं होगी तब तक उसको अटैच नहीं किया जाएगा, हम फ्यूचर वाली को नहीं पहले ही करना शुरू कर देंगे, जो पेएबल है जो आ चुकी है उसको कर सकते हैं, फ्यूचर वाली को नहीं कर सकते। ये फर्दर उसको एक किस्म का एक्सप्लेन ही कर रहे हैं बात को, ताकि तो जी एच आई जे एल और ओ में कह रहे हैं कि जो पहले आ चुकी है या नहीं आई इररिलेवेंट है, पहली बात उसको अटैच ही नहीं किया जा सकता, दूसरी बात कह रहे हैं कि सैलरी अदर देन ये सारी हैं तो फिर जब तक वो एक्चुअली आ जाती हैं तो उसके बाद अटैच होनी है, पहले नहीं, उसको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके उसको करना शुरू कर देना है कि किसी की आप कहें मैं इसकी अगली चार महीने की सैलरी को ना अटैच कर रहा हूँ, जो अभी उसके पास आई ही नहीं है, जब आएगी तब हो सकती है, पहले नहीं हो सकती, जो भी उसका पोर्शन उसका होना है। और पोर्शन कितना हो सकता है, पहला 100 और बाकी का हाफ, वो अटैच नहीं होगा, बाकी हो सकता है सैलरी में से। एक्सप्लेनेशन टू, इन क्लॉज एच एंड आई सैलरी मींस द टोटल मंथली अमलमेंट्स एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस डिक्लेयर एग्जेम्प्ट अटैचमेंट अंडर, वो यही कह रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेन कह रहे हैं कि जो एच और आई में सैलरी की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल जो सैलरी है उसमें अलाउंसेज वगैरह जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं, उनको नहीं कंसिडर करना, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशन थ्री, इन क्लॉज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब ये या तो फेडरल गवर्नमेंट होगी या ये अब देख लें, एज रिस्पेक्ट एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और एनी सर्वेंट ऑफ रेलवे और द कंटोनमेंट अथॉरिटी अपॉन अ मेजर कोर्ट। अब इन सारी सूरतों में अगर वो मुलाजिम है किसी फेडरल गवर्नमेंट के, रेलवे का, तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, अदरवाइज कोई और वो सूबे की किसी डिपार्टमेंट में उसकी जॉब है तो फिर वो उसको वहाँ पे हमने जब गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ करना है तो उसका मीनिंग होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। टू, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउसेस और अदर एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल एंड साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड्स इमीडिएटली अपर्टिनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट from attachment or sale in execution of a decree for rent of any such house, building, site or land। अब ये वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट के हम ऊपर तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेंट वगैरह के लिए कोई डिक्री आई है ना, तो उसमें वो हाउस और बिल्डिंग उसको भी अटैच किया जा सकता है, वो इनको क्लियरली यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, ऊपर हम पढ़ के आ रहे थे कि हाउस बिल्डिंग को एग्जेम्प्ट करो जहाँ पे वो रह रहे हैं विद मटीरियल, उसको नहीं आपने करना, फ्रॉम अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर रेंट ऑफ सच हाउस बिल्डिंग साइट और लैंड, यानी उस लैंड से रिलेटेड ही अगर कोई डिक्री पास की गई और उस पर रेंट से रिलेटेड वो डिक्री पास की गई उसी बिल्डिंग या उस हाउस से, तो उस सूरत में उसको अटैच भी किया जा सकता है, उसको सेल भी किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे चले। पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब ये बाकी ये छोटी छोटी बातें आ जाएंगी आगे, लेकिन ये सेक्शन 60 इसको गौर से पढ़ना। ये क्या कहना है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाई जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब ये कह रहे हैं कि जो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो कर सकती है किसी जनरल ऑर्डर के थ्रू या कोई स्पेशल वो एक ऑर्डर पास कर सकती है कि कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है यानी कोई फसल है और एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या कोई ख़ास किस्म की फसल है। फॉर इंस्टेंस अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि भाई ये जो हमारे चावल की फसल है भाई इसको नहीं अटैच करना या फिर ये गंदम की फसल है इसको नहीं अटैच किया जा सकता, तो वो इससे रिलेटेड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो कह सकती है। ये ही बता रहे हैं सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब वो गन्ने की भी हो सकती है चावलों की भी जो भी क्लास की उसको लगती है गवर्नमेंट को, एज मे अपीयर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट फॉर ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ द लैंड एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली शेल इन केस ऑफ ऑल एग्रीकल्चरलिस्ट और एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अटैचमेंट और सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब वो ये यहाँ पर सिंपल कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई जो चावल की हमने प्रोड्यूस ज़्यादा करनी है और इसको इसकी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं हो रही, तो वो कह सकती है कि भाई चावल की जितने भी कास्ट किसान कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है वो क्या कर दे, एक साल के लिए, दो साल के लिए, नई फसल के लिए वो एग्जेप्ट कर देंगे कि भाई इसको लाइबल नहीं, इसको ना अटैच किया जा सकता ना सेल किया जा सकता, तो ये गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दी है। 62 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। अच्छा अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये सेक्शन, इसमें क्या कहते हैं, नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर इन ड्वेलिंग हाउस आफ्टर द सनसेट और बिफोर सन। अब ये वो जिस तरह अरेस्ट वाला था ना ये इसमें भी उसी तरह बता रहे हैं कि भाई किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सीज करने जा रहा है कोई गवर्नमेंट का सॉरी कोर्ट की तरफ से हो गया ऑर्डर, तो उसने जो घर के अंदर किसी में जाके किसी चीज़ को लेना ना किसी मूवेबल को, तो वो सनसेट यानी ये क्या होता है सूरज ग्रूब होने के बाद और तलू होने से पहले यानी रात के टाइम वहाँ पे उसके घर एंटर होके ये सीज़ नहीं करनी शुरू कर देनी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा फिर ये टू में क्या करें, नो आउटर डोर, ये वही बात होगी कि उसके इस काम के लिए उसके घर के दरवाजे तोड़ के नहीं अंदर एंटर होना, लेकिन एक दफ़ा अंदर एंटर हो जाएं और लग रहा हो कि वो फिर किसी भी दरवाजे को वो तोड़ सकते हैं जहाँ पे अगर जजमेंट डेटर उसको एक्सेस वगैरह नहीं दे रहा, जैसे हमने अरेस्ट एंड डिटेंशन में पढ़ा था ये सेम उसी की कॉपी है। थ्री में भी ये वो यही कह रहे हैं कि अगर घर में कोई जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है और वो वहाँ पर कोई वुमेन है जो पर्दा नशीन लेडी है जो ओपनली बाहर नहीं आती, तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि बीबी आप ज़रा बाहर आ जाओ, हमने ये कार्रवाई करनी है, वो बाहर आएगी और तो फिर वो कर सकते हैं जो भी उन्होंने सीज़ वगैरह प्रॉपर्टी को करना है उसको। तो ये 62 सिंपल सा था, आप लोग पढ़ लेना। 63 प्रॉपर्टी अटैच इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। अब ये बड़ा मसला है, प्रॉपर्टी एक है और सेवरल कोर्ट्स तीन चार अदालतों ने उसी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्री पास कर दी। अब ये एक प्रॉपर्टी है, फॉर इंस्टेंस ये एक घर है, ठीक है, अब इस पे कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, कोर्ट सी है, कोर्ट डी है, चार को अदालतों ने इससे रिलेटेड डिक्री पास कर दी है कि भाई इसको अटैच करो ये जजमेंट डेटर। ये लाइट किस टाइम चली गई जी, इसको अटैच करो, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा, वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन। अब यहाँ पे पहली बात जो वो कह रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है ना, अब ये मैंने कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये अंडर अटैचमेंट तो है लेकिन किसी भी कोर्ट की कस्टडी में ये नहीं है, पोजेशन नहीं, कस्टडी में नहीं है, अटैच हो चुकी है ये प्रॉपर्टी कि आप इसको सेल नहीं कर सकते, कुछ नहीं आप इसे कर सकते, अटैचमेंट हो चुकी है, कुर्क हो चुकी है, लेकिन किसी भी कोर्ट की कस्टडी में नहीं है। जब यहाँ पे दो तीन कोर्ट्स ने उसको अटैच किया, और दोबारा देखो,
वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, एक से ज्यादा अदालतों ने इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, फिर क्या होगा? अब यहाँ पे आके कौन सी कोर्ट फिर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है या मैटर्स को कौन सी अदालत डील करेगी, ये असल में क्वेश्चन है। द कोर्ट विच शैल रिसीव और रियलाइज सच प्रॉपर्टी एंड शैल डिटरमिन एनी क्लेम देयर टू एंड एनी ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी द कोर्ट ऑफ द हाइएस्ट ग्रेड। अब यहाँ पे पहली बात वो कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी जिसको अटैच तो तीन चार अदालतों ने किया हुआ है लेकिन इसका कस्टडी किसी के पास भी नहीं है, अब इससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन में अगर कोई ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, अब हमने सेक्शन 47 में पढ़ के आए थे ना कि अटैचमेंट के जितने एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्जीक्यूशन कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अब लेकिन यहाँ पे मसला आया हुआ है कि प्रॉपर्टी एक है, तीन चार अदालतों ने इसको अटैच किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये देखो पहली बात कि जिन कोर्ट्स ने इसको अटैच किया है ना उनमें हाईएस्ट ग्रेड वाली कौन सी है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को शायद पता हो लेकिन मैं बता देता हूँ, सेक्शन 37 ऑर्डर 37 है, उससे रिलेटेड जितने भी सूट्स फाइल किए जाएंगे ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, वो सिविल कोर्ट में नहीं फाइल किए जाते, ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी दावे हैं वो सारे सिविल कोर्ट में चल रहे होते हैं। अब इसको अटैच जिन अदालतों ने किया, एक उनमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और बाकी सारी जो है वो सिविल कोर्ट है। जी सरफराज आ गए हो। अच्छा पहली बात क्या थी कि जो हाईएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट होगी वो इससे रिलेटेड इस एग्जीक्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो उसको देखेगी। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर सारी इक्वल है तो फिर देख लो कि जिस कोर्ट ने सबसे पहले अटैच किया था ना वो इसकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो कोर्ट डिटरमिन करेगी। अब ये देख लो, शैल बी द कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, और अगर सारी बराबर हो गई फिर वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन द ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट्स द कोर्ट अंडर हूज डिक्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच, तो जिस कोर्ट ने सबसे पहले उसको अटैच किया था ना वो इससे रिलेटेड सारे मैटर्स को डिसाइड करेगी। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, बड़े क्लियर वर्ड्स में कह दिया गया है यहाँ पे कि एक दफ़ा प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो उसके बाद अगर उसको आपने कोई उसको फर्दर एलिनेट किया, किसी को सेल वगैरह कर दिया, किसी भी तरह उसको डिस्पोज ऑफ किया, तो वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना अटैचमेंट के बाद वाले वो सारे वॉइड होंगे। वेयर एन अटैचमेंट हैज़ बीन मेड, एनी प्राइवेट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच और एनी इंटरेस्ट देयर इन एंड एनी पेमेंट टू बी टू द जजमेंट मैटर ऑफ एनी डेट डिवाइडेंट और अदर मनीज कॉन्ट्रेरी टू सच अटैचमेंट
शैल बी वॉइड एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स इन्फोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट। वो कह रहे हैं इसके बाद जितने भी अटैचमेंट के बाद उसने किसी भी किस्म के कोई एग्रीमेंट्स वगैरह कर लिए हैं ना, वो सारा कुछ वॉइड होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो अटैच हो चुकी है। उससे मैटर जो भी होगा वो कोर्ट ने डील करना है। ये बंदा प्राइवेटली ज़्यादा होशियार बन के अगर उसको किसी थर्ड पर्सन को सेल कर देता है, पैसे ले लेता है, तो भाई वो कहते हैं इस पर कोई नहीं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूशन वाले हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ये सारे वॉइड होंगे, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आ गया अटैचमेंट का पार्ट। अब ये सारा सब्सटांटिव है, इसमें अगर गौर करो तो प्रोसीजर की कोई बात नहीं है कि अटैचमेंट होनी कैसे है, वो हमें कहाँ पे पता लगेगा, वो हमें ऑर्डर 21 में पता लगेगा। सेम लाइक अब आ जाते हैं सेल पे, सेल में क्या कह रहे हैं, इसमें भी सिर्फ सब्सटांटिव बातें हैं, प्रोसीजर सारा हमें ऑर्डर 21 में मिलेगा। परचेजर्स टाइटल वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। अगर आपको सेल का प्रोसीजर पता हो ना, तो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑक्शन के थ्रू सेल होती हैं, ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होता है वो उसको देनी पड़ती है पहले 25% टोकन मनी कह लो, वो देगा, उसके बाद आई थिंक 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के अंदर उसने फुल पेमेंट जो होती है वो करनी होती है, और जैसे ही वो फुल पेमेंट करता है तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, ये ऑक्शन जो सारी सेल एब्सोल्यूट हो जाती है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन वो एब्सोल्यूट हो रही है उस दिन नहीं, ये देखें, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड, प्रॉपर्टी को समझा जाएगा टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर, उस दिन से समझ लिया जाएगा ये परचेजर के पास चली गई है, अब उसके वो मालिक है। फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, अब सेल किस दिन हो रही है, वो तो ऑक्शन वाले दिन हो रही है, पेमेंट वो बेशक बाद में कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का परचेजर होगा, जैसे ही वो ऑक्शन ख़त्म हुई, सेल कंप्लीट हुई ना, अभी एब्सोल्यूट की बात नहीं है, एब्सोल्यूट तो वो पेमेंट करने पे हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं जिस दिन से वो सेल हो गई है ना, उस दिन से सारे राइट्स उसमें आ जाते हैं परचेजर के पास। ठीक है, ये मोटी सी बात थी। 66 सूट अगेंस्ट परचेजर नॉट मेंटेनेबल और ग्राउंड्स ऑफ परचेजर बीइंग, अच्छा ये बड़ी इसमें सिंपल सी बात है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है, चलें इसको पढ़ ही लेते हैं। नो सूट शैल बी मेंटेन्ड, अब ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं होगा, किन सिचुएशंस में देखें, नो सूट शैल बी मेंटेन्ड अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल अंडर ए परचेज सर्टिफाइड बाय द कोर्ट इन द सेम मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन द ग्राउंड दैट Purchase was made on behalf of the plaintiff or on behalf of someone through whom the plaintiff claims. देखें ये होता है ना बेनामी। अब असल में क्या मसला हुआ कि मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि वो वकील साहब जो करवा रहे हैं केस को, वो नहीं बिडिंग में जा सकते, लेकिन वो अपनी जगह किसी थर्ड पर्सन को कहते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप ये बोलियाँ दो, आप इस ऑक्शन को विन करो। ठीक है, अब पीछे बैठ के तो वो वकील साहब खरीद रहे हैं या कोई भी पर्सन उधर जो बैठा है, जो असल में परचेजर बना हुआ है, जिसने बिड दी, ऑक्शन विन की, सारी पेमेंटें उसने की, बेशक इसने ही करवाई हैं, वो कह रहे हैं हमने ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं होगा इस बात पे कि जी उसने जो ये ऑक्शन विन की है, जो उसने सेल वो परचेजर बना है, वो मेरे बिहाफ पे था, पीछे असल बंदा मैं था, वो कह रहे हैं ये सूट ही ना मेंटेनेबल ही नहीं होगा, क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कह दिया। दोबारा इस सेक्शन को देखो, नो सूट शैल बी मेंटेन्ड अगेंस्ट एनी सच पर्सन क्लेमिंग टाइटल, वो टाइटल क्लेम कर रहा है कि भाई मालिक तो मैं हूँ, पैसे मैंने दिए हैं, मेरा तो वो बेनामी खड़ा था वहाँ पे, नहीं, अंडर अ परचेज सर्टिफाइड बाय द कोर्ट इन, अच्छा, ऑन द ग्राउंड दैट द परचेज वॉज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ, अब वो दावा दायर किया है, मैंने जाकर दावा दायर कर दिया मैं प्लेंटिफ हूँ, तो जी असल मालिक तो मैं हूँ, वो तो जरा बोलियां मेरे बिहाफ पे दे रहा था, कोर्ट ने कहा नहीं ये दावा ही नहीं मेंटेनेबल, बात ही खत्म हो गई, भाई आप खुद क्यों नहीं आए, और ऑन बिहाफ ऑफ समवन थ्रू होम द प्लेंटिफ क्लेम्स, या प्लेंटिफ ये कह रहा है कि जी फलाना बंदा था,
असल में तो उसने खरीदी है और उसके भी आप पे मैं सूट फाइल कर रहा हूँ। कह रहे नहीं ये सूट ही नहीं मेंटेनेबल, बस बात खत्म होगी। ऑक्शन में जो बंदा मौजूद था जिसने बिड विन की, फिर उसने सारी परचेज उसके नाम पे हुई तो वही मालिक है, बस बात खत्म। सब सेक्शन टू, लेकिन यहाँ पे ये सब सेक्शन टू में अब इसकी भी आगे ये एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार सूट टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन दैट द नेम ऑफ एनी परचेजर सर्टिफाइड एज अ फोरसेट वाज इंसर्टेड इन द सर्टिफिकेट फ्रॉडेंटली। पहली बात वो कह रहे हैं कि हाँ इस बात पे आप सूट फाइल कर सकते हो अगर आप ये प्रूव कर दो कि भाई ये जो सेल सर्टिफिकेट आया है ना, जैसे सेल एब्सोल्यूट होती है तो एक सेल सर्टिफिकेट कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, उसको रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तो कोर्ट का सर्टिफिकेट है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो आप इस सूरत में चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये जो सेल सर्टिफिकेट था ना, इसमें नाम फ्रॉड करके गलत लिखवा दिया गया, नाम मेरा होना चाहिए था, नाम फलाने का लिखा दिया, इस बेस पे आप फ्रॉड की बेस पे चैलेंज कर सकते हो। और विदाउट द कंसेंट ऑफ रियल परचेजर, और या फिर कंसेंट के रियल परचेजर जो था उसकी कंसेंट के बगैर ही नाम किसी दूसरे का लिख दिया, और इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अ थर्ड पर्सन टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी दो ऑस्टेंस, यानी जारी तौर पे ऑस्टेंसिबली सोल टू द सर्टिफाइड परचेजर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ लाइबल टू सेटिस्फाई ए क्लेम। यानी किसी थर्ड पर्सन ने आके अगर क्लेम कर दिया कि जी ये किधर सेल कर दी है, ये तो पहले इसमें मेरा राइट था, मेरा राइट सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको प्रॉपर्टी को उठा के सेल कर दिया, इस सूरत में आप कोर्ट में एक सूट फाइल करके डिक्लेरेशन ले सकते हो। कोर्ट डिक्लेयर कर दे हाँ जी ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है ये फ्रॉडेंटली इसमें नाम डाला गया है, गलत नाम डाल गया है, या किसी थर्ड पर्सन का कोई क्लेम था उसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी था, और इंटरफेयर विद द राइट ऑफ ए थर्ड पर्सन टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी दो सोल्ड टू द सर्टिफाइड परचेजर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ लाइबल टू सेटिस्फाई अ क्लेम ऑफ सच थर्ड पर्सन अगेंस्ट द रियल ओनर। तो यहाँ पे दो तीन एक्सेप्शंस इन्होंने साथ ही डाल दिए कि भाई ये हैं जो आप कर सकते हो। अच्छा अब ये 67 में सिंपल रूल्स बताए गए हैं कि किसने बनाने हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर एनी लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया के लिए बना सकते हैं, इम्पोजिंग कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ एनी क्लास और इंटरेस्ट इन द लैंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री से रिलेटेड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी लोकल एरिया में रूल्स बना सकती है, कंडीशंस वो इम्पोज कर सकती है, वे सच इंटरेस्ट आर सो अनसर्टेन और अनडिटर्मेंड एज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मेक इट इम्पॉसिबल टू फिक्स देयर वैल्यू। अब ये मनी पेमेंट में ये इस किस्म के काम, इस के ये जी अनसर्टेन है, ये जो इंटरेस्ट है किसी का, किसी क्लास ऑफ पीपल से रिलेटेड, तो इस किस्म के ये रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं ये 67 को खुद ही पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं। अच्छा ये डेलीगेशन टू कलेक्टर ऑफ पावर टू एग्जीक्यूट डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये 68 से लेके तो 72 तक ये चलता है कि पावर्स कोर्ट डेलीगेट कर देती है किसी कलेक्टर को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि भाई आप इससे रिलेटेड जो डिक्री है ना वो आप एग्जीक्यूट करो। कोर्ट अपनी पावर टू एग्जीक्यूट अ डिक्री रिगार्डिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी डेलीगेट कर देती है किसको, कलेक्टर को। इस सेक्शन में यही बताया गया, ये भी पढ़ने वाला है लेकिन मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। 68 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डिक्लेयर बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट दैट इन एनी लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया से रिलेटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन cases in which court has ordered an immovable property to be sold or of execution of every particular kind of such decrees or execution of decrees ordering sale of a particular kind of interest shall transfer to the collector। simple सी बात है, इन सब चीज़ों से related किसी particular area में provincial government ये declare कर सकती है कि भाई इनकी जो execution होगी ना
वो कोर्ट नहीं करेगी, वो डेलीगेट हम पावर कर रहे हैं किसको, कलेक्टर की, वो एग्जीक्यूट करे इस किस्म की डिक्री को, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए वो खास तौर पे कह रहे हैं। 69 द प्रोविजन सेट फोर्थ इन द थर्ड स्केजुअल शैल अप्लाई इन टू ऑल केसेस। अब ये सीपीसी के एंड पे जो स्केजुअल थ्री है ना, वो कहते हैं कि इसमें जब ये डेलीगेशन हो रही है ना पावर्स एग्जीक्यूशन की कलेक्टर को, तो भाई वो सेक्शन सॉरी ये थर्ड स्केजुअल जो सीपीसी के एंड पे दिया गया है ना, वो एज इट इज़ अप्लाई होगा, जो पावर्स वहाँ पे बताई गई हैं, इसमें इतनी सी बात है। देखें जो स्केजुअल वन है, आप दोनों मुझे बताओ कि सीपीसी के एंड पे जो स्केजुअल वन है वो क्या है, मैं ज़रा देखूँ कि आप लोगों ने क्या इतना गौर में देखा है कि उसको वो क्या है, स्केजुअल वन क्या है सीपीसी के एंड पे? हाँ ये देखो, हाँ जो स्केजुअल वन है, जितने भी सीपीसी के ऑर्डर हैं वो स्केजुअल वन में है, तो ये याद रखना कि जहाँ पे स्केजुअल वन है वो ऑर्डर जो शुरू हो रहे हैं सीपीसी, तो 151 पे 155 इसके सेक्शंस हैं, बाकी वो जो ऑर्डर्स हैं वो इसका एक पार्ट है, एक स्केजुअल है, फर्स्ट स्केजुअल। थर्ड स्केजुअल में कलेक्टर की बताई गई हैं पावर्स, वो कहते हैं यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट 70 में मे मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद द अफोरसेड प्रोविजंस। अब ये गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे रहे कि रूल्स बनाए किससे रिलेटेड, नंबर वन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिक्री फ्रॉम कोर्ट टू द कलेक्टर। अब इससे रिलेटेड और जो प्रोसीजर होना उसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स किसने बनाने हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। बी कॉन्फरिंग अपॉन द कलेक्टर और एनी गजटेड सबॉर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर ऑल ऑफ एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट माइट एक्सरसाइज। अब ये दूसरी बात वो कह रहे हैं कि रूल्स और किस चीज़ के लिए बनाए जा सकते हैं, कि कोर्ट की पावर कलेक्टर को या उसका जो सबॉर्डिनेट है जिसने इस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, वो कोर्ट की सारी पावर्स को वो यूज़ करेगा, किस लिए, एग्जीक्यूशन करवानी है उसने डिक्री के लिए। इससे रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किस अब कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर एरिए में। सी में क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडिंग फॉर ऑर्डर्स मेड बाई द कलेक्टर और मेड ऑन अपील रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑर्डर्स बींग सब्जेक्ट टू अपील टू एंड रिविजन। ये इनसे रिलेटेड जो अपील्स वगैरह होनी है उनके ऑर्डर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये पढ़ लेना। सब सेक्शन टू में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बिल्कुल बार कर रहे हैं, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया इन पर्टिकुलर एरिया जो एग्जीक्यूशन है वो पावर उसकी डेलीगेट हो रही है किसको, कलेक्टर को, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, वो नहीं फिर कुछ भी करेगी। अ पावर कन्फर्ड बाय रूल्स मेड अंडर सब सेक्शन वन, ये जो सब सेक्शन में रूल्स बना रहे हैं, अपॉन एनी कलेक्टर और गजटेड सबॉर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर और अपॉन एनी एपलेट और रिविजनल अथॉरिटी शैल नॉट बी एक्सरसाइजेबल बाई द कोर्ट और by any court in exercise of appellate or regional jurisdiction in respect of decrees or orders of the court। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कोर्ट भी, चाहे वो सिविल कोर्ट है, चाहे वो appellate, चाहे regional authority है, ये वही ये इतना upon the collector was a power conferred by the rules subsection one collector or upon any appellate or regional authority shall not exercisable by the court or court in exercise of appellate। हाँ यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की और किसी भी appellate कोर्ट की या रिविजनल कोर्ट की जो jurisdiction है ना उसको बार किया जा रहा है। अभी जब सारी पावर्स तो हम इनको दे रहे हैं कलेक्टर को, appellate पावर्स भी ऊपर सी में इनके पास ही जा रही हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे सिविल कोर्ट या जो हमारी अदालतें हैं उनके पास पावर नहीं होंगी, ये उधर ही फिर चलेगा मामला सारे का सारा। आई होप समझ आ गई है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब एक दफ़ा ये सारी पावर्स इनके पास आ गई हैं, भाई इन्होंने एग्जीक्यूशन करवानी है, उससे रिलेटेड जो अपील वगैरह या रिवीजन होनी है उससे रिलेटेड भी रूल्स बना के उधर चली गई हैं उनकी हायरार्की में, तो वो कह रहे हैं फिर सिविल कोर्ट्स या जो हमारी एपलेट कोर्ट्स हैं वो अदालतें फारिग हो जाएंगी, वो ही सारा कुछ करेंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन को बिल्कुल बार कर दिया जब एक दफ़ा डेलीगेट हो रही हैं ये सारी पावर्स टू कलेक्टर्स। सेक्शन 71 कलेक्टर डीम टू बी एक्टिंग जुडिशली। अब ये इसमें कह रहे हैं कि जब ये कलेक्टर ये सारे पावर्स को यूज़ कर रहा है ना, तो वो एक कोर्ट की सारी पावर्स हैं वो जुडिशली परफॉर्म करेगा। इन एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री ट्रांसफर टू द कलेक्टर अंडर सेक्शन 68 द कलेक्टर एंड सबॉर्डिनेट शैल बी डीम टू
बी एक्टिंग जुडिशली, वो ये समझा रहेगा भाई वो अदालतों के तौर पे काम करें, सारी पावर्स भी उनके पास आई हुई हैं। 672 क्या, वेयर कोर्ट में ऑथराइज कलेक्टर टू स्टे पब्लिक सेल ऑफ लैंड। अच्छा यहाँ पे वेयर इन एनी लोकल एरिया इन विच नो डेक्लरेशन अंडर सेक्शन 68 इज इन फोर्स, द प्रॉपर्टी अटैच कंसिस्ट ऑफ अ लैंड और अ शेयर इन द लैंड और द कलेक्टर रिप्रेजेंट्स टू द कोर्ट दैट द पब्लिक सेल ऑफ द लैंड और शेयर ऑब्जेक्शनेबल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री मे बी मेड विद इन द रीजनेबल पीरियड बाई अ टेम्परेरी एलिनेशन ऑफ द लैंड और शेयर, द कोर्ट में ऑथराइज द कलेक्टर टू प्रोवाइड सच फॉर सच सेटिस्फेक्शन इन द मैनर रिकमेंडेड बाई हिम इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग टू द सेल ऑफ द लैंड और शेयर। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कलेक्टर यहाँ पे उसको अगर तो 68 में जो पावर्स हो रही हैं ना डेलीगेट के, आप जाके एग्जीक्यूशन कर लो, गवर्नमेंट उसको कह रही है, पावर्स उसको दे रही है, वो अभी अगर उसको पावर्स नहीं दी गई इवन देन वो ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट को जाके ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि बजाय इस प्रॉपर्टी को आप सेल करें, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इसको टेम्परेरी सेल करें, परमानेंटली नहीं। ये देखें, द कलेक्टर रिप्रेजेंट्स टू द कोर्ट एंड दैट द पब्लिक सेल ऑफ द लैंड और शेयर इज ऑब्जेक्शनेबल, यानी इसको आप सेल ना करो, पब्लिक में इसको सेल ना करो, इससे रिलेटेड को मसले मसाले हैं, कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं, एंड दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री मे बी मेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड बाई ए टेम्परेरी एलिनेशन ऑफ द लैंड और शेयर। और जो डिक्री है ना उसकी सेटिस्फेक्शन सेल ज़रूरी नहीं आप सेल से करो, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप इसको प्राइवेटली एलिनेट कर देते हो, किसी दूसरे को दे देते हो, उससे वो उससे कमाएगा लेकिन आपकी डिक्री को वो सेटिस्फाई कर दे, जैसे हमने लैंड रेवेन्यू में पढ़ा था कि वो होल्डिंग्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है भाई, एक उसमें ये था कि अगर कोई ज़मीन है उस पर लैंड रेवेन्यू था वो पे नहीं कर रहा था, तो एक तरीका वहाँ पर ये भी था कि क्या करेंगे उस होल्डिंग को किसी थर्ड पर्सन को दे देंगे कि भाई जो उस बंदे के मालिक के बकाया जाता है लैंड रेवेन्यू के एरियर वो आप हमें पे कर दो, ये ज़मीन आपके पास 2 साल के लिए है, आप इसको काश्त करो इससे कमाओ, वो उसमें से कमाएगा और फिर जो असल मालिक अगर उसको पैसे वापस कर देता है तो उसका पोजेशन वापस उसको दे दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका था ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग का लैंड रेवेन्यू में। यहाँ पे भी ये अगर कलेक्टर आके सजेस्ट कर रहा है ना, रिकमेंड कर रहा है ना कोर्ट को कि भाई आप इसको सेल ना करो, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि इसको प्राइवेटली फॉर सम पीरियड हम ना टेम्परेरीली एलिनेट कर देते हैं, उससे भी डिक्री सेटिस्फाई हो सकती है और कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट इस पर मान सकती है, कोर्ट फिर उसको कहेगी कि भाई आ जाओ हमें सेटिस्फाई करो और करवा दो, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इसको सेल करें, अगर टेम्परेरी एलिनेशन से ही इससे हमें पैसे मिल जाते हैं तो हमारा मकसद तो डिक्री को सेटिस्फाई करना है, हमारा मकसद ये नहीं है कि जजमेंट डेटर की ज़मीन को हमने बेचना ही बेचना है। तो ये यहाँ पे ये प्रोसीजर बताया गया है। सबसेक्शन 2, इन एवरी सच केस प्रोविजंस ऑफ 69 to 71 और ऑफ एनी रूल्स मेड इन परसुएंस, वो कह रहे हैं अगर 69 to 71 अप्लाई होगा और उसमें जो भी रूल्स वगैरह वो गवर्नमेंट बनाएगी, द कोर्ट में ऑथोराइज द, अब यहाँ पे कह रहे हैं जब इस किस्म का मशवरा दे दिया ना कोर्ट में ऑथराइज द कलेक्टर, तो कोर्ट को ऑथराइज कर देगी टू प्रोवाइड फॉर सच सेटिस्फेक्शन इन द मैनर रिकमेंडेड बाय हिम इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग टू सेल ऑफ द लैंड और शेयर, तो कोर्ट उसको कहेगी कि भाई आप ऑथराइज हो जाओ करो, आपने जो तरीका बताया तो हमें तो पैसे चाहिए, हमें ला के दे दो, कर लो इसको टेम्परेरीली एलिनेट जिस तरह आप चाहते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड पूछ लो, डेलीगेशन ऑफ कलेक्टर इसको जो पावर देनी है, सिंपल सा है, कोर्ट की सारी पावर्स वो करेगा यूज, नहीं तो चलो ये अब 2-3 सेक्शंस हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा अब इसमें है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक है और उसमें 3-4 डिक्री होल्डर है, तो उससे फिर उन सबको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, वो कह रहे हैं रेटेबली किया जाएगा। रेटेबली क्या होता है, किसी ने अगर 10 लाख लेने हैं, किसी ने 5 लाख लेने हैं, किसी ने 2 लाख लेने हैं,
जो 10 लाख वाला है उसको शेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, जो 5 लाख वाला है उसका उससे कम होगा, 2 वाला उसका उससे भी कम होगा, यानी उस हिसाब से जितनी उनकी डिक्री की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसमें से उनको शेयर दिया जाएगा, यही कह रहे हैं इसमें बेसिकली। 73, ये 73 और 70, हाँ ये 73 है, ये इसके साइड पे भी मार्क लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर एसेट्स आर हेल्ड बाई अ कोर्ट एंड मोर पर्सन देन वन बिफोर द रिसीट ऑफ सच एसेट्स मेड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ड अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर, सेम जजमेंट डेटर है उसके अगेंस्ट एक से ज़्यादा बंदे आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमें अभी ये एसेट जो है वो सेल आउट नहीं हुए, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई उसकी कंप्लीट, लेकिन 3-4 डिक्री होल्डर आ गए हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमारी भी डिक्री ना सेटिस्फाई करवा के दें, ये जजमेंट डेटर है, सेम बंदा है और इससे हमारी डिक्रियाँ भी, हाँ आप हमें पैसे हमारे जो मनी पेमेंट ऑफ मनी है वो ले के दें। इस सूरत में एंड हैव नॉट ऑब्टेन्ड सेटिस्फैक्शन देयर ऑफ द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, यानी ये सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है तो उसकी जो उस पर कॉस्ट वगैरह आई है कोर्ट उसको लैदा कर ले, उसके बाद क्या करेगी, शैल बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सच पर्सन, फिर रेटेबली पहले कॉस्ट को कोर्ट ने अपनी डिडक्ट करनी है, जितना भी अब ये सेल कर रहे हैं ऑक्शन वगैरह हो रही है, ये मुफ्त में तो नहीं होती, इस पे भी खर्चा आता है, वो करवाने का जो खर्चा है वो साइड पे करेगी, और जो भी वो डिक्रीज जितनी भी हैं उनका जो रेटेबली जो उनका पोर्शन ज़्यादा है जिसका उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जिसका काम है उसको, ये याद रखने वाली बात है कि रेटेबली ऐसे नहीं हो सकता कि अगर घर बिका 10 लाख का और एक बंदे ने 10 लाख की डिक्री लेनी है, उसके पास 10 लाख की डिक्री है, दूसरे के पास 5 है, तीसरे के पास 3 है, तो इस तरह तो ये 10 लाख वाली की सारी उसको ही चले जाना, बाकी सारे फाड़े, वो कह रहे हैं नहीं, जब एक से ज़्यादा आ गए ना, प्रॉपर्टी एक है, जजमेंट डेटर एक है, तो इस तरह करो कि पहले अपने खर्चे निकाल लो, अब 10 लाख तो टोटल था, उसमें से 10 लाख वाले को सबसे ज़्यादा उसका शेयर बन जाएगा, फिर 5 लाख वाला उसका उससे कम कर दो, तो ये 10 लाख के अंदर अंदर आप जितना जिनको बन सकता है, जितना मैक्सिमम आप उनके रेटेबली उनको सेटिस्फाई कर सकते हो उनका वो शेयर उनको दे दो, ये कह रहे हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक सिंपल है, मैं इसको इससे ज़्यादा सिंपल अब मेरे लिए मुश्किल हो गया थोड़ा, क्लियर है, साथ साथ बता भी दिया करो। चलो प्रोवाइडेड एज फॉलो, अब यहाँ पे प्रोवाइजोज आ गई हैं साथ, ए पहली क्या, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड, कोई प्रॉपर्टी थी उसको अटैच किया गया, अब उसको सेल भी कर दिया गया, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज और चार्ज द मॉर्गेजी और इनकम्बरेंसर शैल नॉट बी इंटाइटल टू शेयर इन एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। अब ये देखें, ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी अगर, या उस पर किसी पर्सन का कोई क्लेम था, उस पर कोई चार्ज था, ठीक है, तो इस सूरत में जो मॉर्गेजी होगा या वो पर्सन जिस पे, तो इस सूरत में जो मॉर्गेजी होगा या वो पर्सन जिसका किसी भी किस्म का कोई चार्ज है, कोई क्लेम है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो कह रहे हैं कि जो उसका शेयर है ना उससे उसको उनकी उनको सेटिस्फाई करने के बाद अगर कुछ और भी सरप्लस बच रहा है तो उनको वो नहीं मिलना, उनका सिर्फ वो जो शेयर बन रहा था उसके हिसाब से उनको मिलना, ज़्यादा अगर पैसे बच गए तो वो उनको नहीं दे देने, ये पहली बात आ गई। दूसरी, वेयर एनी प्रॉपर्टी लाइबल टू बी सोल्ड, अभी वो बेची नहीं गई, वो लाइबल टू बी सोल्ड है इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ मॉर्गेजी और इनकम्बरेंस, पहले वाले में था कि प्रॉपर्टी सेल होगी, दूसरे वाले में यह है कि अभी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, वो लाइबल टू सेल है अभी, तो उसमें जो मॉर्गेजी है, अगर उस वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी या उसके अलावा किसी भी किस्म का इनकम्बरेंस है, उससे रिलेटेड कोई चार्ज है, किसी पर्सन का कोई क्लेम है जिसको मिलना ज़रूरी है, तो उनकी कंसेंट कोर्ट लेगी, किस लिए, ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड फ्री
फ्री फ्रॉम द मॉर्गेज और चार्ज गिविंग टू द मॉर्गेजी और इनकम्बरेंसर द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड ऑफ द सेल्स एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। तो उसमें जो उनका जो कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह जितना भी बनता था उनकी, अब मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल करने से पहले ऐसे तो नहीं ना हो जानी, कोर्ट ने उसको पूछना है मॉर्गेजी को कि भाई ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको सेल कर देते हैं, उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह होगा वो हम उसको सेटिस्फाई करने के बाद आपको दे देंगे। अगर वो कहता है यस कर दें तो फिर हो जाएगी। इसी तरह जिस जो भी दूसरे बंदे का कोई इस पर क्लेम था तो उनसे कंसेंट ले कर कोर्ट सेल करेगी और जो और अब उनको सेटिस्फाई करेगी, और जो इसके बाद जो सेल हो रही है वो तो इनकम्बरेंस फ्री हो रही ना, उस पर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं होगा। प्रॉपर्टी बेची, मॉर्गेजी ने कहा कि बेच दो, बेच के जो उसका बनता था सारा उनको दे दो, जिस जिस का जो जो बनता था, और प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनी चार्ज, उस पर कोई बार नहीं। वो अगर कोई किसी को जा रही है तो फिर वो क्लीन जाएगी ना। सी क्या, वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डरिंग इट सेल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एन इनकम्बरेंस देयर ऑन द प्रोसीड ऑफ सेल सेल शैल बी अप्लाइड। अच्छा, अब ये अगर कोई प्रॉपर्टी है वो सेल की गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो उसमें जो ऑर्डरिंग डिक्री ऑर्डरिंग इट सेल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एन इनकम्बरेंस देयर ऑन, एग्जीक्यूशन में डिक्री की एग्जीक्यूशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया गया, ऑर्डरिंग इट सेल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ, और उस पर जितने भी इनकम्बरेंस वगैरह थे उसको ख़त्म करने के लिए उसको सेल के ऑर्डर हो गए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कैसे सारा सारा डिवीजन होगी उसमें। पहली बात वो कह रहे हैं कि जो सेल के खर्चे हैं वो अलहदा करो, उसके बाद जो भी उस प्रॉपर्टी पे ड्यूज़ वगैरह थे, जो चार्जेस वगैरह थे, वो सारे बंदों को क्लियर करो। तीसरा क्या कह रहे हैं, थर्डली इन डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनीज ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये उस पे जो चार्ज वगैरह सारे ख़त्म, इनकम्बरेंस ख़त्म करने के बाद जो बच जाएगा वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी जो भी होंगे उसके बाद वो उन पे खर्च किए जाएंगे। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, इसको एक दो दफ़ा पढ़ लेना, मुझसे आप कल ज़रा दोबारा पूछ लेना, अगर किसी को कोई समझ ना आए तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। अब ये चार्ज वगैरह क्या होता है, ये चार्ज वगैरह इनकम्बरेंस क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम है कि प्रॉपर्टी से कोई किसी पर्सन ने कोई प्रॉफिट था उसको मिला नहीं, कोई पैसे थे किसी भी तरह, मॉर्गेज जहाँ पे हो रही है, तो जिस बंदे ने मॉर्गेज करवाई है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बैंक को इस पर इसको करके तो इस पर लोन ले लिया, अब बैंक का तो चार्ज है ना इस प्रॉपर्टी पे, तो उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, उसके बाद ये सारा कुछ होगा। फोर्थली क्या है, रेटेबल अमंग द होल्डर्स ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, सॉरी रेटेबल, फोर्थली रेटेबल अमंग द होल्डर्स ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर हु हैव प्रायर टू द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी अप्लाई टू द कोर्ट। अब यहाँ पे बात कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे ऊपर चल रहा था कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हो, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये एग्जीक्यूशन होने के बाद, यानी उसकी सेल होने के बाद में कोई बंदे आ गए कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि हमारी भी डिक्री थी, हमें भी इसमें से कुछ दें, तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई, आप लोगों ने पहले आना था, जब वो सेल नहीं हुई थी उससे पहले आ जाओ, फिर मिल जाएगा रेटेबली आपको, लेकिन अगर आप बाद में हो रहे हो सेल होने के बाद, फिर कहते हैं फिर आपको कुछ भी नहीं मिलना, चाहे जितने मर्जी आ जाए। रेटेबली अमंग द होल्डर्स ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अप्लाई टू द कोर्ट, सॉरी रेटेबली अमंग द होल्डर्स ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर हु हैव प्रायर टू द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अप्लाई टू द कोर्ट which passed the decree ordering such sale for the execution of such decrees and have not obtained satisfaction thereof. अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ना ये इनकम्बरेंसेज, पहले सारे कोर्ट ने अपने खर्चे निकाले, उसके बाद जो इनकम्बरेंस वगैरह थे वो सारे ख़त्म किए, उसके बाद जिन्होंने डिक्री से रिलेटेड कहा था कि हमें पैसे दें, हमारी डिक्री को सेटिस्फाई करना है, चौथे नंबर पे आके वो आ जाएंगे, उनको सारे पैसे मिल जाएंगे।
लेकिन एक बात याद, जिसने पहले नहीं अप्लाई किया उसको कुछ नहीं मिलना। सब सेक्शन टू वेयर ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स लाइबल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस सेक्शन आर पेड टू अ पर्सन नॉट इंटाइटल टू रिसीव द सेम, एनी पर्सन सो इंटाइटल मे सू सच पर्सन। अब यहाँ पे कह रहे हैं वेयर ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स लाइबल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, दिस सेक्शन आर पेड टू अ पर्सन नॉट इंटाइटल टू रिसीव द सेम। यानी कोर्ट ने अगर किसी ऐसे पर्सन को एसेट्स में से ये बेचने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मनी जो जिसका क्लेम बनता नहीं था, लेकिन वो कोर्ट की मिस्टेक थी या वॉट एवर रीज़न वो हो गए हैं, तो इस सूरत में क्या होगा, एनी पर्सन सो इंटाइटल्ड मे सू सच पर्सन टू कंपेल हिम टू रिफंड द एसेट्स। तो फिर क्या करोगे आप जो बंदा क्लेम कर रहा ना कि भाई इसके तो बनते ही नहीं थे, बनते तो मेरे थे, इसको किधर दे देंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई उसके लिए सीधी सी बात है कि वो कोर्ट में जाए और जाके दावा करे कि मुझे इससे पैसे वापस ले कर दिए जाए, इससे रिफंड करवाया जाए। तो ये वो यहाँ पे होगा। बहरहाल ये जो सेक्शन है ना 73, आप इसको कल एक दफ़ा दोबारा पढ़ना, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे पूछ लेना दोबारा, लेकिन आप पढ़ोगे ना तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने, एक प्रॉपर्टी पे चार्ज वगैरह है, उसके क्लेम्स काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो कैसे सब में डिवाइड होगा पूरा, किस किस तरह किसको कितना शेयर मिलेगा, ये सारी बातें। ठीक है, अब आगे आ जाओ 74 में। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कोर्ट ने कहा है डिक्री को सेल सूल होने के बाद अगर कोई बंदा इसको रिजिस्ट कर रहा है, पोजेशन नहीं दे रहा, डिक्री आ गई है, सेल हो चुकी है, एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी वो हैंड ओवर नहीं कर रहा, उसका पोजेशन नहीं दे रहा, तो उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको अदर पर्सन टू अंडर गो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 30 days एंड मे फर्दर डायरेक्ट द डिक्री होल्डर ऑफ परचेजर टू बी पुट इन टू पोजेशन। अब वो कह रहे हैं कि उसको 30 दिन के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए जेल भेज दिया जाएगा और जिसको पोजेशन जो परचेजर है उसको ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। अब तू में ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरी हो तो पुलिस की असिस्टेंस भी कोर्ट दिलवाएगी कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो जजमेंट डेटर है या वो ऐसे बंदे रहते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, तो वो पुलिस की असिस्टेंस से कब्ज़ा दिलवाएगा। जब एक डिक्री में एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो उसको कोई बंदा रजिस्ट नहीं कर सकता, क्वेश्चन ही नहीं उठता, सीधी सी बात है। कोर्ट ने एक दफ़ा एब्सोल्यूट हो गई है तो आपको अगर कोई रजिस्ट कर रहा है तो उन्होंने कहा सजा भी देंगे, और पोजेशन कोर्ट ने दिलवाना होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस कर रहा हो तो थ्रू पुलिस भी कोर्ट दिलवाती है। तो ये हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह हम आएंगे ऑर्डर 21 में, वो इसी से रिलेटेड है एग्जीक्यूशन से। ये सारा हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं कि अटैचमेंट से, अरेस्ट डिटेंशन से, सेल से रिलेटेड, लेकिन ये होंगे कैसे वो हमें सारा कुछ ऑर्डर 21 में मिलेगा। ये 100+ इसके हैं रूल्स, तो ये अगले 3-4 दिन हम इसी में घूमेंगे इंशाल्लाह और इसको कंप्लीट करेंगे। बहरहाल एक दफ़ा ऑर्डर 21 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स है CPC का, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिस के हवाले से भी ये ऑर्डर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो।